जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आजकल टोने टोटके के नाम पर ठगने वाले बहुत से लोग हैं, जो टोने टोटके के नाम पर आपका काम तो खराब करते ही हैं, बल्कि आपसे न जाने कितने पैसे लूट लेते हैं। दोस्तों, हमारे पास जो उपाय है वे बहुत ही सरल उपाय है। इन सरल उपायों को करने से आपकी समस्या एकदम दूर हो जाएगी। आज हम आपको वशीकरण करने की एक ऐसी विधि बताने वाले हैं। इस विधि को करने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले ध्यान रखना है कि यह विधि आपको अकेले में ही करनी है, और साथ ही आप उस समय करें जब आपके आसपास कोई ना हो। इस विधि को आप दोपहर 2 से 3 के बीच या फिर रात के समय 8 बजे के बाद करें। सबसे पहले आपको तुलसी के पत्तों को लेना है। अगर आप यह विधि 8 बजे के बाद शुरू कर रहे हैं तो आप तुलसी के पत्ते शाम 5 बजे से पहले तोड़कर अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि रात में तुलसी को तोड़ना दोषयुक्त हो जाता है, इसलिए आप इसको पहले ही तोड़ लें। दर्शकों, आपको सुबह 2 तुलसी के पत्ते तोड़ लेने हैं और अपने बाएं हाथ में उसको रखना है और अपने सर के ऊपर से 7 बार उसको घुमाना है। फिर आप तुलसी के पत्तों को अपने मुंह में रख लीजिए और उसके बाद फिर आप हमारे शास्त्री जी द्वारा बताए गए मंत्र का 11 बार जाप करें। आप जिस व्यक्ति को वश में करना चाहते हैं उसे आप अपने मन में देखें और हर बार एक मंत्र पढ़ने के बाद उसका नाम ले। 11 बार मंत्र का जाप करने के बाद मुंह से तुलसी के पत्तों को निकालकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह उठकर उन तुलसी के पत्तों को जल में प्रवाह कर दें। आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हैं वो आपके पास खुद ब खुद चलकर आ जाएगा। वो आपको पास आएगा भी और साथ में आपको कॉल भी करेगा, और 72 घंटों में ही वह व्यक्ति आपके बस में हो जाएगा। आपका कहना मानने लगेगा, जो आप उससे चाहते हैं वैसा ही करेगा। ध्यान रहे, यह मंत्र सबके नाम और राशि के हिसाब से अलग अलग होते हैं, तो आप भी अपने नाम और राशि के हिसाब से अपना मंत्र इस विधि को करने से पहले प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप इस विधि को कर रहे हैं और इस विधि को करते वक्त किसी भी प्रकार की गलत मंशा अपने मन में ना लाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर गलत मंशा से कोई भी कार्य किया जाता है तो वो कभी सफल नहीं हो पाता। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो या कोई समस्या हो जिसको लेकर आप बात करना चाहते हैं, इस विधि को लेकर कोई परेशानी अगर आप महसूस कर रहे हैं तो आप हमारे नंबर पर फोन कर सकते हैं। हम आपकी हर समस्या को सुनकर आपकी सभी समस्याओं का उपाय देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में यही। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे किसी नई वशीकरण विधि के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहती हूँ। जय माता दी।